जरा सर, आप कहते हैं कि कारगिल एक मिस एडवेंचर है, लेकिन कहा जाता है कि नहीं, मियां नवाज शरीफ को जाना पड़ा अमेरिका और वहाँ से अमेरिकन को माफ़ी मांगनी पड़ी कि भाई हमारा कोई रास्ता निकाल दो क्योंकि हमारी फौज को पिसपाई होनी। जी, इसका मैं बैकग्राउंड बताऊं कि ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ जो था वो चला गया अमेरिका और जो कुछ हमने जीता था लड़ाई में वो डिस्कशन टेबल पर हार करके आ गया। ये परवेज मुशर्रफ साहब का स्टांस था। एक्चुअली ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब को मिन्नतें करके परवेज मुशर्रफ ने भिजवाया क्योंकि वहाँ पर स्पाई हो रही थी। महमूद को मैंने और परवेज मुशर्रफ ने, ये चाहे दो जुलाई थी या पहली जुलाई थी, हमने उसको ड्रेसिंग डाउन दी कि ये क्या हो रहा है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसकी टांगें कांप रही थी। उसको हमने कहा तुम जाओ वहाँ जाके बैठो जहाँ लड़ाई हो रही है। उसने कहा रात को मैं कैसे चले जाऊँ। हमने कहा नहीं, हेलीकॉप्टर लेकर रात को जाओ। उसने कहा वो क्रैश हो जाएगा। हमने कहा हो जाने दो क्रैश, यू डोंट डिजर्व टू लिव। ये हाल था महमूद का उस वक्त। और इस हालत में इसने मुझे कहा कि तुम बात करो मियाँ साहब से कि वो कुछ करें और अमेरिका को बीच में इन्वॉल्व करें। तो हम ने कहा ठीक। मैंने उनसे बात की मियाँ साहब से और मैंने कहा जी ये इस तरह ये मुझे कह रहा है। उस वक्त मियाँ साहब जेलम में थे कहीं और अपने किसी वो पॉलिटिकल उस पर। तो मियाँ साहब ने कहा वो मेरे से क्यों नहीं बात करता। मैंने कहा जी ये ले बात करें। इसके घर में था मैं, मैंने फ़ोन मियाँ साहब को इसको पकड़ा दिया। इसने भी वही बात की कि सर आप जाएँ और कुछ करें और इसको इन्वॉल्व करें और यहाँ बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं और पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। मियाँ साहब ने कहा अच्छा मैं करता हूँ। आज तो 2 तारीख है और उससे पहले वो हो चुकी थी एक वो जो होती है DCC की मीटिंग, वहाँ पे भी सब कुछ पता लग गया था। और ये बड़ा गर्म हुआ था एक फॉरेन ऑफिस वाले जब उन्होंने कहा कि जी ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है वहाँ पे। इस वक्त ये अब जब इसने देखा ना कि वहाँ तो तुलोलंग भी गिर गया, उसके बाद ये सारा इसको बुखार चढ़ा। तो तुलोलंग मेरा ख्याल है 2 तारीख को ही गिरा था। तो मुशर्रफ रिक्वेस्टेड नवाज शरीफ ही रिक्वेस्टेड के जी आप जाएं अमेरिका जाएं और इंटरवीन करवाएं, इसको क्लिंटन से इंटरवीन करवाएं। उन लोगों ने अच्छा उस वक्त फिर ये ब्रीफ करने के लिए उन्होंने हमें बुलाया इधर चकलाला। मैं और परवेज मुशर्रफ दोनों ने जाके इसको ब्रीफ किया और चाहिए ये था कि इसको साथ लेके जाते, वो नहीं इसको साथ लेके गए। और जूं ही वो चले गए इसने एकदम शुरू कर दिया ये प्रोपेगेंडा कि हम तो जीत रहे थे, अब ये चला गया हमें वहां जाके एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये शख्स दोगला है? बहुत दो